नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे ताज होटल में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बारे में। मुंबई आतंकी हमले को अगले महीने 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उससे पहले एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति के सामने बेनकाब किया है। दरअसल 28 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आतंकी हमले में पाकिस्तान के कनेक्शन का खुलासा किया है। इस संबंध में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश विदेश के प्रतिनिधियों के सामने एक ऑडियो क्लिप भी पेश किया। ये क्लिप मुंबई के छबाड़ हाउस का है। इसमें पाकिस्तानी आतंकी 26/11 का साजिशकर्ता साजिद मीर फोन पर आतंकियों से कह रहा है, जहाँ भी मूवमेंट दिखे, कोई बंदा छत पर चल रहा हो या कोई आ रहा है या जा रहा है, उस पर गोली चलाओ, उसे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद साजिद मीर को जवाब देते हुए फोन पर दूसरा आतंकी उसे ऐसा करने का भरोसा देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26 नवंबर 2008 को किया गया आतंकी हमला सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। अभी भी इस हमले का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। इससे जुड़े साजिशकर्ता और अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी है। मुंबई में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली, घाना के विदेश मंत्री, यूएई के गृह मंत्री समेत अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साजिद मीर के बारे में कहा जाता है कि वो 2010 तक लश्करे तैयबा के ऑपरेशन चीफ जकीउर रहमान लखवी की सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। वो विदेश में आतंकियों की भर्ती करता था और पाकिस्तान में भी टेरर कैंप चलाता था। साथ ही वो ISI के इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेशन का भी हिस्सा था। FBI ने साजिद मीर पर $50 लाख का इनाम रखा है। अमेरिका और भारत इस आतंकी को पिछले एक दशक से खोज रहे हैं। साजिद मीर ने डेविड कोलमैन हेडली समेत बाकी आतंकियों के साथ मुंबई में आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। उसे लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी माना जाता है। बता दें कि ये मीटिंग मुंबई के उसी ताज पैलेस में हुई जिसे 26/11 हमले में आतंकियों ने निशाना बनाया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।